तो ये क्वेश्चन है हमारे पास एक, तो ये बोल रहा है कि ए मैन गोज़ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड ही रिटर्न विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक आदमी मुंबई से दिल्ली जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और रिटर्न आ रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड जब निकालना आता है तो हमें वैसा नहीं करना है 40 प्लस 60, ऐसे 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 करके, मतलब जो भी आया आंसर 100 बाय 2 मतलब 50, ये नहीं, ये एकदम रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे नहीं करना है। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे दो दिया है, 40 और 60 दिया है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो इसका फॉर्मूला कैसे आता है, जैसे दो दिया हुआ है तो 2 करेंगे मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड में करेंगे एक्स प्लस वाई, ये इसका फार्मूला है। अगर 3 दिए रहते तो करेंगे 3xyz, ठीक है, जो भी मतलब 40, 60 और 90 भी दिया रहता तो हम क्या करेंगे, xyz 3 into xyz डिवाइड बाई xy + yz + zx करते हैं, ठीक है, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूले को मैं अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे, जैसे 2 into 40 into 60 divided by 40 plus 60, ये कितना आएगा, सबसे पहले इसको हम 100 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 40 into 60, ये 0 0, ये 2 0 कट गए, 48 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, ये इम्पॉर्टेंट है। 3xy, अगर 3 रहते हैं यहाँ पे तो 3 into 40, 60, 90 plus xy, yz, zx ऐसे होता है, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। और ज़्यादातर टाइम दो बार ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, 3 बार बहुत ही कम बार पूछा जाता है, जैसे कि 3 बार बहुत ही, मतलब मेंस का अगर एग्ज़ाम हो तभी शायद पूछा जाए, लेकिन 3 बार बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, जो भी जल्दी से कैलकुलेट हो जाते हैं वही क्वेश्चन सिर्फ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हमसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 106, देन फाइंड थर्ड नंबर। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या करेंगे, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिया है, 4 कॉन्जिक्यूटिव का ऑड नंबर का एवरेज है 106, और हमें थर्ड नंबर फाइंड करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे कंसिडर कर लेते हैं जो पहला नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x कंसिडर कर लेते हैं, तो बाकी नंबर क्या है, ऑड नंबर के टाइम क्या करते हैं, एक्स प्लस दूसरा नंबर x + 2 + x + 4, ठीक है, x + 4 आ गया यहाँ पे, +x + 6, ये हो गए 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। उनका एवरेज निकालने के लिए हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, ठीक है, और इनका एवरेज है 106। जब इनसे ऐड करेंगे, जैसे कि ये 1 2 3 4, एक्स की टर्म 4 टाइम्स है, ठीक है, 4x, 2 और 4 6 और 6 12, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करते थे 24, ठीक है, और 4x इक्वल टू आएगा ये 4 to 4 में से 4 12 आएगा, ठीक है, 4 to 4 में से 12 माइनस हो जाएगा इधर जाके, ठीक है, और x इक्वल टू 4 0 3, मतलब जैसे ही 4 4 1 ज़ा 4 0 4 3 ज़ा 12, मतलब 1 1 0 3 आएगा ये, ठीक है, 103 ये पहला नंबर है। तो बोला है कि हमें थर्ड नंबर फाइंड करना है, तो x इक्वल टू आया 103, तो थर्ड नंबर क्या है यहाँ पे, 1 2 3 प्लस, इसमें क्या करना है, 103 में हमें 4 को ऐड करना है, तो 107, तो 107 ही हमारा आंसर रहेगा। तो हमारे पास और एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज मार्क ऑफ 120 स्टूडेंट इज इन अ क्लास इज 35, जो एवरेज मार्क है 120 स्टूडेंट के 35 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, इफ़ एवरेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट, जो पास हुए स्टूडेंट उनको 39 मार्क्स मिले, ठीक है, जो एवरेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट इज 39, जो स्टूडेंट पास हुए उनका एवरेज अगर निकाला जाए तो 39 आ रहा है। इफ़ एंड एवरेज ऑफ फेल स्टूडेंट इज 15, मतलब जो फेल हुए उनका एवरेज आ रहा है 15, तो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, ठीक है,
तो फेल स्टूडेंट वाले कितने आएंगे? फेल स्टूडेंट, तो फेल स्टूडेंट आएंगे 120 माइनस एक्स, 120 टोटल स्टूडेंट है ना, उनमें से अगर पास वाले निकाल दिए तो फेल वाले आ जाएंगे। ठीक है, बस हो गया काम। अभी हमें ये करना है कि जो सम, पहले ऊपर में सम आएगा, ठीक है, आपको तो पता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, यही फार्मूला है ना अपना, सम और उसके डिवाइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा। ठीक है, तो पहले हमें सम फाइंड करना है। तो जो पास हुए स्टूडेंट एक्स है, उनका कितने मार्क्स मिले हैं? 39 मार्क्स एवरेज में मिले हैं। ठीक है, उनका एवरेज है 39, प्लस आएगा फेल वाले स्टूडेंट कितने, 120 माइनस एक्स, और उनको कितने मिले, 15। ठीक है, 15 फेल स्टूडेंट को 15 मार्क्स मिले एवरेज में, उनका एवरेज 15 है। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट है 120, और इन सब का एवरेज है 35, जो शुरुआत में दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 120 स्टूडेंट इज 35। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 39x प्लस 120 इंटू 15 कितना आएगा, 18। ठीक है, 15x ये आएगा 0, तो ये आएगा 36 आ गया, ये 36 प्लस 42, ठीक है, 4200 आएगा। तो ये इसमें से माइनस कर दे, 39x 15x कितना आएगा, 24x। ठीक है, तो और ये 4200 माइनस 18, ये कितना आएगा, इसमें से 18 में से 42 में से 18 गया 2400। ठीक है, और ये 24x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो हमारा आंसर है 100 स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं। हमने तो x कंसिडर किया नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट तो x है, तो हमारा आंसर आ गया 100। फाइंड द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट ही बोला है हमको, तो आंसर आ गया 100, ये हमारा रहेगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें बोला गया है कि मतलब एवरेज, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑफिस इज 8000। इन दिस, इनमें से एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन, ठीक है, टोटल जो एम्प्लॉयज है, टोटल एम्प्लॉयज में से 60 टेक्नीशियन की एवरेज सैलरी 12000 है। ठीक है, एंड द एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉयज इज 6000, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये बोला गया कि एक कोई भी कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज़ है, उनकी एम्प्लॉयज़ की जो एवरेज सैलरी है 8000 है। ठीक है, और उनमें से कुछ 7 टेक्नीशियन है, उनकी एवरेज सैलरी 12000 है, और बाकी जो रिमेनिंग है उनकी 6000 है। तो टोटल एम्प्लॉयज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ है, रिमेनिंग एम्प्लॉयज़, उनको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो बस अभी स्टार्ट कर देते हैं, रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ को एक्स कंसिडर कर लिया। तो और इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात बता देता हूँ आपको, कि मतलब जैसे ही आपको ये 8000, 12000, 6000 दिखे, आप ये 0 0 भूल जाइए, ये 0, ये 0, ये 0 सब भूल जाइए। ठीक है, अब कैसे करते हैं बताता हूँ, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको आसानी भी होगी सॉल्व करने में। तो ये 7 टेक्नीशियन है, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 12000, लेकिन हम लिखेंगे 12, प्लस एक्स है जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज उनकी है 6000, लिखेंगे 6, टोटल कितने हैं, 7 प्लस एक्स, टोटल एम्प्लॉयज तो 7 प्लस एक्स आएंगे ना, 7 प्लस एक्स तो इक्वल टू आएगा ये 8। ठीक है, 8000 तो हम 8 ही लिखेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये 0 0 नहीं है तो कितना आसान जा रहा है, ये 84 आएगा प्लस 6x इक्वल टू 56 आएगा, ये 7x को इधर लेके गए तो प्लस 8x। ठीक है, तो 84 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, और ये आएगा इधर 6 को इधर लेके गए 2x आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 14, x की वैल्यू 14 है, लेकिन ये आंसर नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, ये जो हमने निकाला है 14, ये रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पे पूछा गया है टोटल एम्प्लॉयज़, टोटल एम्प्लॉयज़, तो इसमें जो 60 टेक्नीशियन है वो भी ऐड होंगे प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 21, तो 21 टोटल एम्प्लॉयज़ रहेंगे हमारे। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 21,
ये हमेशा हम गलती कर सकते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो आंसर आएगा 21।